हेलो दोस्तों दोस्तों अज की वीडियो आप गल करेंगे पंजाब ईटीटी टीचर दी आई जॉब वैकेंसियां दी। दोस्तों पंजाब सिक्ख्या विभाग ने काफ़ी चंगी अते काफ़ी नंबर ऑफ जॉब वैकेंसियां इस बार अनाउंस कीतियां हन अते काफ़ी वधिया पे स्केल इस विच दित्ती जा रही है। दोस्तों यह जो पोस्टां ग्रैजुएशन लेवल दियां हन ते सीधा तुसी टीचर दियां यह जॉब वैकेंसियां हन ते सीधा टीचर भर्ती हो सकदे हो। ते दोस्तों सारी जानकारी तुहानू इस वीडियो थ्रू मैं देवांगा। होर जानकारी साडा चैनल सबसक्राइब कर लो ते वीडियो नू लाइक जरूर कर लो, तुहाडे सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो दोस्तों सब तो पहला पैनल ऑफिशियल साइट तुसी उपर चैक कर सकते हो एजुकेशन रिक्रूटमेंट बोर्ड .com। ओके इस ते आपां अपने ब्राउजर में सर्च कर लेंगे। तुसी यह अपने मोबाइल उपर घर बैठ के भी चैक कर सकते हो, इसका PDF फाइल घर बैठ के डाउनलोड कर सकते हो। तो उपर तुहानू लिंक उत्ते शो कर रहा है, उससे क्लिक कर लो। बाकी तुहानू वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे और तुसी डाउनलोड क्लिक करके इस साइट उपर पहुंच जाओगे। तो दोस्तों उस तो बाद इस तरह का पेज अपने सामने ओपन हो जाता है। जो आप सर्च कर लेने अपने मोबाइल के उपर तो नीचे आप चैक कर सकते हैं ये रिक्रूटमेंट 1664 पोस्ट है ईटीटी टीचर दियाँ। इस पर आप क्लिक कर लेंगे, उस तो बाद अपने को इस तरह का पेज ओपन हो जाता है। इस तो बाद जो आप फर्स्ट लिंक के उपर क्लिक करा तो इसकी जो PDF फाइल है जिस विच इन्होंने पूरा वेरवा दिता हुआ पोस्टों का वह अपने को खुल जाता है। तो मैं थोड़ा मेन मेन गल्ला इस दस दी ना, बाकी ये डाउनलोड करके जहाँ इसका लिंक मैं वीडियो भी दे देंगे उतना डाउनलोड करके एक बार पढ़ के ये फॉर्म जरूर अपने एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग फिल कर दो। तो दोस्तों इस विच इन्होंने दसा कि पंजाब सिक्ख्या विभाग ईटीटी अध्यापकों की भर्ती। ओके दोस्तों तो इस बाद ये जो लास्ट डेट इन्होंने सॉरी ये 6/3/2020 में यह अनाउंस की गई है ना। कैटेगरी वाइज की गल करिए तो आप रीड कर सकते हैं चंगी तरह जनरल अनुसूचित एससी वास्ते अलग अलग कैटेगरियां। तो इस अलावा होर मेन मेन गल्ला तो मैं दस देना, इस ग्रैजुएशन की गल मंगी गई है कि योग्यता की होनी चाहिए कैंडीडेट में ग्रैजुएशन। ये कैटेगरी हिसाब नाल है, जिवें जनरल वास्ते कम तो कम 55% 55% होने चाहिए, तो एससी वास्ते 50% होने चाहिए ने। इस अलावा सारी कैटेगरियां दी वो अलग अलग इन्हों का परसेंटेज रखा गया है। तो बाकी होर मेन मेन आप गल्ला तो फोन का ढंग इन्हें दसा कि इस संबंधी कि 100 नंबर का पेपर होगा, तो उस मैरिट लिस्ट के आधार पर कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो इसकी तनख्वाह की गल करिए तो स्टार्टिंग जो ग्रेड पे है इसकी 10,300 रहेगी। इस तो बाद 3 साल का पीरियड होंगे, इस तो बाद इनक्रीज होती सैलरी। तो एज लिमिट की गल करिए 18 से 37 साल इन्होंने एज लिमिट दसी गई है। तो फीस की गल करिए कि जनरल कैंडी जनरल और होर कैटेगरी उम्मीदवार वास्ते 1,000 रुपया इसमें अप्लाई करने की फीस, तो रिजर्व एससी ते एसटी वास्ते 500 रुपये फीस है। तो जो सबका सैनिक है उन्होंने कोई फीस नहीं है। तो बाकी मेन मेन गल है जे तुम इसमें अप्लाई करना चाहते हो ऑनलाइन उस पर बेड़ी मैं बना देवगा, जो थोड़ा तो जरूरत है तो मैं जरूर तुम अपने घर बैठ के मोबाइल उपर यह जो फॉर्म है इसमें अप्लाई कर सकते हो। जो थोड़ा चाहिए तो कमेंट करो, मैं थोड़ी हेल्प जरूर करा। होर मेरी मेरी गल्ला बाकी मैं थोड़ा क्लीयर करती है, फिर भी जो थोड़ा कुछ समझ नहीं आता तो वीडियो में कमेंट करो, मैं थोड़ी हेल्प करने की जरूर कोशिश करा। ओके दोस्तों होर जानकारी साडा चैनल सबसक्राइब करो तो वीडियो लाइक जरूर कर लो। थैंक यू दोस्तों।